ओम शांति, ओम शांति। मेरा मन दो काम करता है, किसी को देखते गलत भी सोच सकता हूं मैं, अच्छा भी सोच सकता हूं। आज मैंने मेरे मन को पढ़ाया, ये मेरा मन है, आपको नहीं पढ़ा सकता हूं मैं, अपने को पढ़ाओ। आया तुम औरों के प्रति एक दिन शुभ सोच लो, देख लो क्या है। गहरी नींद आती है। आज 80% जो हार्ट अटैक हो रहा है ड्यू टू गैस, 20% चर्बी के कारण। अचानक हार्ट अटैक हो गया क्यों? हैवी खाना खाते, नींद नहीं आता है। क्यों नहीं आ रही है? कि दूसरों को दुख दिया, किसी को लूटा, किसी को परेशान किया, किसी को गुस्सा किया। दूसरों को दुख देकर आप शांति से सो सकते हो? तब कहा मन को पहले जीत लो, सारी बीमारी का, सारे दुखों का, सारे पापों का, सारे सुखों का बीज कारण मन है। मन को जीत लो, वो कुछ भी नहीं, किसी को देख लो, आंखें खोल के, आंखें बंद नहीं करो, देखो कैसा भी हो, अधम से अधम महापापी है वो, है ना, हम तो नहीं है भगवान, ये आपका बच्चा है, इनका कल्याण करो, इनको सद्बुद्धि दे दो। देखो एक छोटा बच्चा इधर खेलता है, खुला आंगन मिल गया, उसका मौज है उसको, तो आप सबको डिस्टर्ब करता है। किसी एक भाई ने उसको चॉकलेट दिया, खाया, दो मिनट के बाद फिर आवाज करने लग गया, हाँ क्या करेंगे उसको आप, गुस्साएंगे, क्या करेंगे, उपाय बताओ माता जी। छोटा बच्चा है, खेलता है, खुला आंगन मिल गया इधर, तो आप, लेकिन आप सबको डिस्टर्ब कर रहा है, तो क्या करेंगे उस बच्चे के लिए? मैंने जवाब पहले दिया, फिर आपको आपके मन में किधर कितना ध्यान है आपका, क्या करेंगे, मारेंगे, गुस्सा करेंगे, बाहर फेंक देंगे, बाहर जाओ कहेंगे, नहीं, हाँ कहेंगे, हमने कितना भी कहा हम बच्चे चुप रहो, नहीं सुनेगा। माँ उसको अपने गोदी में लेके बैठती है, माँ का सुनेगा, आपका और मेरा नहीं सुनेगा। हम सबका माँ बाप कौन? एक भगवान के बच्चे, वसुधैव कुटुंबकम का। अगर कोई कुछ करता है, भगवान ये आपका बच्चा है, आप सद्बुद्धि दे दो, आप समझाओ। तब कहा हम ये नहीं करते, क्या हमारे पास ऐसे कोई शक्ति है औरों को हम परिवर्तन कर सकते हो? हमारे अंदर एक आदत बनी कि टीवी चैनल को जैसे हम चेंज करते हैं ऐसे औरों को हम चेंज करना चाहते हैं, नहीं, ये किसी के पास अधिकार नहीं दिया है। तब कहा कि औरों को पढ़ाना सबसे सहज काम है और सबसे कठिन काम है स्वयं को पढ़ाना। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य है स्व परिवर्तन। पहले विश्व परिवर्तन नहीं, औरों का परिवर्तन नहीं, पहले मुझे क्रोध मुक्त होना है। कि क्रोध करना चाहिए, हाँ हाँ, पहले स्वयं को परिवर्तन करो, स्वयं को पढ़ाओ, स्वयं को सिखाओ। अगर आपका मन, आपकी वाणी, आपके कर्म अपने आप औरों को प्रेरणा देगा, है ना, सिर्फ बताने से नहीं, सुनने से नहीं होगा, कुछ करने वाले लोग देखना चाहते हैं, आप सुनना नहीं चाहते हैं, बहुत सुन लिया, किसने किया हुआ है। तो इसलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य है हमें करके दिखाना है, मंजूर। इसलिए आप सबको, बहन जी ने मेहनत करके इतना बड़ा हॉल बनाया किसके लिए? आप सबके लिए, आपके लिए सदा आमंत्रण है इधर, आपका घर, भगवान का घर, बच्चों का घर, अधिकार है, भगवान के घर में आते हो तो आके सत्संग करो, अपना जीवन श्रेष्ठ बनाओ। नहीं तो जाते समय क्या ले जाएंगे आप? धन आएगा, मन आए, मकान आएगा, क्या जाए? कुछ भी नहीं आएगा, अच्छे कर्म आपके अमानत है। तो अच्छे कर्म करने के लिए अच्छा ज्ञान चाहिए, तो वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में फ्री, कोई मेहनत नहीं, कोई खर्चा नहीं है, और सारा दिन में नहीं, सवेरे 5-10 मिनट, शाम को 5-10 मिनट, एक एक घंटा भी नहीं चाहिए। ईट लेस डाइजेस्ट मोर कहते हैं, थोड़ा सुनो, एक ही शब्द सुनो, आचरण में लाओ, ठीक है। ओम शांति।